from the Border Security Force, which is celebrating its Golden Jubilee. And this going past the saluting base, the bordermen salute. Team Captain, Sub-Inspector Amit Kumar. Side riding, Sub-Inspector Abdesh Kumar. And this is the ladder formation, ladder balancing. Not easy to balance on a ladder without support on ground, but you see it. Body and machine in perfect balance, led by Constable Duresh Babu. राष्ट्रीय सौहार्द का परिचय देती हार्मनी फॉर्मेशन, एक मोटरसाइकिल साइकिल पर चार जांबाज एकता का संदेश देते हुए. And this is Jambaz, under the command of Constable Arjun Singh. Confidence, concentration, coordination. और ये पीकॉक मोर की आकृति बनाते हुए सात जांबाज. And right behind peacock riding under Constable Jaskaran Singh, six jambaz showing acrobat formation. पैरेलल बार फॉर्मेशन आरक्षक अशोक दीक्षित की कमान में. दिस इज द बीएसएफ ट्री, 11 मेंबर्स ऑन वन मोटरसाइकिल. इवेंट इज लेड बाय कांस्टेबल पी के मिश्रा. और जैगुआर की भव्य फॉर्मेशन, 21 जांबाज तीन मोटरसाइकिलों पर उड़ते हुए जैगुआर विमान जैसी आकृति बनाते हुए. From this wonderful jaguar onto the lotus. Perfect coordination, excellent balance. Constable Jitendra, Hemant Satbir, Chandrabhanan, Uday Pratap. The lotus are national flower. कमल की आकृति के बाद सीमा प्रहरी फॉर्मेशन, चार मोटरसाइकिलों पर 32 बहादुर जांबाज. The core duty of the border security force. And behind them the सीमा चौकी पीतल going past. और ये है 9 मोटरसाइकिलों पर सवार 39 जांबाजों की फ्लैग मार्च फॉर्मेशन. इस साल सीमा सुरक्षा बल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है. बहादुरों का दल हम हैं, सीमा सुरक्षा बल. शानदार प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल के जांबाजों का, हर फॉर्मेशन पर जोरदार तालियां. भारत का 66वां गणतंत्र दिवस, जिसके मुख्य अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा और उनकी पत्नी श्रीमती मिशेल ओबामा. सलामी मंच पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐतिहासिक राजपथ के दोनों ओर अपार जनसमूह अब आकाश में होने वाली गतिविधि की उत्कंठा से प्रतीक्षा. अभिवादन करते हुए जांबाजों को, कलाकारों को, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की अनुपम छटा बिखेरी, जिसकी राजपथ पर देश के कोने कोने से आए कलाकार
आज इस 66वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश को गौरवान्वित करते हुए सरहदों की रक्षा करने वाली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, तकनीकी उन्नति, विकास और प्रगति की रफ्तार, फ्लाईपास्ट जिसका सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था, चक फॉर्मेशन, सबसे पहले 3 MI-35 हेलीकॉप्टर विक्री आकृति के साथ चक फॉर्मेशन में आ रहे हैं सलामी मंच के ठीक ऊपर। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये हेलीकॉप्टर्स कमान ग्रुप कैप्टन जसदीप सिंह संधु के हाथों में। The 3 MI-35 helicopters in a Vic formation go past the saluting dais in the direction of India Gate. There's a special control room which is coordinating the flypast, and that has been set up by 1 Air Formation Signal Regiment, commanded by Colonel Vishal Sharma. Everyone's eyes set in the direction of Raisina Hill. वायुसेना के कारनामे, राजपथ के दोनों ओर मौजूद अपार जन समूह को आनंदित और रोमांचित करते हुए सतत अभ्यास, कठिन परिश्रम और जोखिम के ये कारनामे कल्पना से वास्तविकता में बदलते हुए। एंड द हरक्यूलीज फॉर्मेशन कंप्राइजिंग 3C-130J सुपर हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट इन अ विक फॉर्मेशन flying at a speed of 300 kilometers an hour, led by Group Captain Tejbir Singh, and the other two aircraft, captained by Wing Commander Kunal Kala and Wing Commander Siddha Batula Gopi Mohan. आसमान में ओझल होते हुए हरकुलिस फॉर्मेशन के विमान उत्कंठा के साथ एक और करतब की प्रतीक्षा, भारतीय वायुसेना का बहुप्रतीक्षित फ्लाईपास्ट गणतंत्र दिवस की इस परेड में चार चांद लगाता हुआ। भारतीय वायुसेना गौरव पराक्रम दूसरा नाम। आगमन होता हुआ P-81 विमान को दो अन्य MiG-29 विमानों के साथ हम देख सकते हैं पोसाइडन फॉर्मेशन में। ये विमान जमीन से 330 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए That was the Poseidon formation, the latest acquisition of the Indian Navy, the P-81, a long-range maritime surveillance and anti-submarine warfare aircraft. And it was flagged by 2 MiG-29Ks. And now we're looking out for the Globe formation, comprising 1C-17 Globemaster, flanked by 2 Su-30s. Here it is, the formation led by Group Captain Thomapalli Srinivas Reddy and the 2 Su-30s flown by Wing Commander Mahinder Singh and Squadron Leader R.S. Sidhu. ग्लोब फॉर्मेशन में जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले ये विमान सभी को रोमांचित करते हुए। अगली बारी 5 जैगवर विमानों की एरोहिट फॉर्मेशन की, जो यकीनन आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देगा। ग्रुप कैप्टन पुनीत विज इस फॉर्मेशन की कमान संभालेंगे। जैगवर विमान सतह से 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और मिनटों में शत्रु को ध्वंस कर सकते हैं।
ये कंट्रोल रूम सेना की एक एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का। और अब हवा में गुजरते हुए जेट वॉर फॉर्मेशन के पांच विमान, विंग कमांडर सौमित्र तमस्कर, विंग कमांडर अनीश धीमान, स्क्वाड्रन लीडर नितिन रावत, स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार, अन्य विमान। Those were the five Jaguar deep penetration strike aircraft in arrowhead formation which just went by, and now we're waiting for five MiG-29 air superiority fighters. And leading the pack will be the recently upgraded and highly lethal MiG-29. This is the control room coordinating the flypast. Captain Manu Singh, commanding officer of the first upgrade squadron, other members of the formation, Wing Commander Jitendra Masurkar, Wing Commander Ajay Rathi, Wing Commander Jaswant Patel, and Wing Commander Prabir Saw. Rajpath par maujood apar jan samuh mein romanch ka sanchar karte hue ye flypast Bharatiya Vayu Sena ke jambazon ka. कुछ ही क्षणों पहले ट्राइडेंट के नाम से मशहूर पांच MiG-29 विमान गुजरे राजपथ के आकाश से, और अब सभी को इंतजार एक और रोमांचकारी प्रदर्शन का। तीन सुखोई 30 MKI विमान देखा जा सकता है। फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय पाल सिंह, विंग कमांडर रोहित कपिल, विंग कमांडर नितिन कुमार वत्स अन्य विमानों की उड़ान भर रहे हैं। संतुलन, साहस, धैर्य, सतत अभ्यास परिचय देते हुए भारतीय वायुसेना के जवान 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। And for the finale, the culmination of the parade will be a lone Su-30 MK I flying at a speed of 900 kilometers. Here it is. Group Captain Vijay Singh, Flight Commander of 220 Squadron in a vertical Charlie. किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा यह विमान वर्टिकल चार्ली बनाते हुए नजरों से ओझल हो रहा है। फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन वीजे सिंह। एंडिंग द सेलिब्रेशंस विद सच अ फ्लरिश, ऑसम मोमेंट्स ब्रॉट टू अस बाय द गार्डियंस ऑफ आवर स्काइज, फॉरएवर टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। It's such a pleasure to have President Barack Obama here today and Mrs. Michelle Obama to honor the generations of Indians who built the nation through toil and tears and iron will. I want to express my profound gratitude to not only you but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera payar bara namaskar.